हेलो एवरी वन दिस इज़ रबी इसम इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज कुछ चीज़ें हैं उनको देखते हैं हाउ टू फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हमारे पास क्या है इक्वेशन लेट एल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड अगर हम इन दोनों रूट्स को ऐड करेंगे एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए ए इज द कोफिशंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी इज़ द कोफिशंट ऑफ एक्स एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो एल्फा इन टू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए डिडक्शंस हैं ए माइनस बी होल स्क्वायेर इज़ एकवल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए बी आप इनको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये दोनों साइड्स प्रूव हो जाएंगी सिमिलरली सेकेंड है हमारे पास एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एक टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड थर्ड इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज एक टू ए प्लस बी whole cube minus 3ab into a plus b now we will start question number 1 without solving find the sum and the product of the roots in each of the following equations part 1 is x square minus 6x plus 10 equals to 0 here a is equals to 1 b is equals to minus 6 and c is equals to 10 sum of roots alpha plus beta is equals to minus b over a bki value is minus 6 divided by 1 and sum of roots equals to सिक्स। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए सी की वैल्यू इज़ टेन एंड ए की वैल्यू इज़ वन तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू टेन ना पार्ट टू इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इस ट्वेंटी फाइव को इधर शिफ्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू जीरो ए इज इक्वल टू वन बी इज़ द कोफिशंट ऑफ एक्स यहाँ पर हमारे पास एक्स की टर्म नहीं है तो बी की वैल्यू क्या है जीरो एंड सी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव नाव सम ऑफ रूट्स Alpha plus beta is equals to minus b over a. B's value is zero divided by one. So alpha plus beta is zero. Now product of roots alpha into beta is equals to c over a. C is minus twenty five. A's value is one. Alpha beta is equals to minus twenty five. Similarly, part three and four. Inko solve Part three is six minus two x square plus fifteen x equals to zero. Part four is p x square plus q x plus one equals to zero.